हाय फ्रेंड्स, मैं हूं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गैस में जैसा कि आप लोग को आज हम बात करने वाले हैं सीएनसी मशीन के कुछ ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो कल के एग्ज़ाम के बेसिस पे काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और साथ में अगर हम बात करें, अगर इन क्वेश्चनों को पढ़कर जाते हैं तो आशा करते हैं काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आपका एग्ज़ाम। तो चलिए बात करें, जैसा कि आप लोग के पास टाइम बहुत बिल्कुल कम है और केवल मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में ही बताऊंगा, आप इन क्वेश्चनों को ज़रूर एक बार पढ़कर जाइएगा। चलिए, अब जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जो भी स्टूडेंट को अगर कोई भी क्वेश्चन में देखने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग मेरी बातों को केवल सुनिए। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं, पहला हमारा क्वेश्चन होने वाला है। तो यहाँ पे हम बात करें, अगर आपका चैप्टर वाइज के क्वेश्चन आते हैं तो चैप्टर वाइज में, जैसा कि आप लोगों को मैं बता दूं कि चैप्टर वाइज अगर वहीं पे बात किया जाए, फर्स्ट वाले चैप्टर में, अगर फर्स्ट वाले चैप्टर में आपको पढ़ना है तो सीएनसी मशीन क्या होता है, डीएनसी मशीन क्या होता है, एनसी मशीन क्या होता है और इनके लाभ हानि उपयोग क्या होते हैं, ये सारे क्वेश्चन को पढ़ लेना है। नेक्स्ट बात किया जाए कंस्ट्रक्शन एंड टूलिंग, यानी संरचना एंड टूलिंग के बारे में, टूल कितने प्रकार से यूज़ करते हैं सीएनसी मशीन में, डीएनसी मशीन में और एनसी मशीन में, और इनका क्या प्रोसेस होता है और इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है, ये सारे टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट पार्ट प्रोग्रामिंग आता है, तो पार्ट प्रोग्रामिंग क्या होता है, पार्ट प्रोग्रामिंग का प्रोसेस क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, सारे टॉपिक के बारे में याद करना है। नेक्स्ट बात किया जाए, चौथे चैप्टर में आता है कंट्रोल सिस्टम, यानी कंट्रोल डिवाइस क्या आता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, यानी नेक्स्ट चैप्टर की बात किया जाए तो निकाय उपकरण यानी सिस्टम डिवाइस क्या होता है, सिस्टम डिवाइस क्या होता है, इनके बारे में आप लोग को पूर्ण रूप से पढ़ना है। नेक्स्ट बात किया जाए सीएनसी मशीन की समस्याएं, यानी प्रॉब्लम्स ऑफ सीएनसी मशीन में कौन कौन सी समस्याएं होती हैं इनके बारे में, और वहीं पे ऑटोमेशन क्या होता है, एनसी मशीन का ऑटोमेशन यूज़ क्या होता है। नेक्स्ट बात किया जाए सीएनसी ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं, टर्निंग और मिलिंग क्या होता है, ये सारे टॉपिक के बारे में आप लोग को पढ़ के जाना है। चलिए बात करें जैसा कि आप लोग को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, तो आप जैसा कि पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, पहला हमारा क्वेश्चन चैप्टर फर्स्ट से लिया गया है। क्या लिया गया है, एनसी मशीन, सीएनसी मशीन तथा डीएनसी मशीन क्या है, इसके लाभ हानि तथा उपयोग और अवयव कौन कौन से होते हैं, संक्षिप्त वर्णन लिखने के लिए क्वेश्चन आता है। आप एनसी मशीन, सीएनसी मशीन, डीएनसी मशीन क्या होता है, इसके उपयोग हानि लाभ और अवयव कौन कौन से होते हैं, सारे टॉपिक के बारे में आपको पढ़ के जाना है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, आईसी क्या होता है और रफ टर्निंग क्या होता है, इसके बारे में आप लोग को पूर्ण रूप से पढ़ के जाना है। आईसी क्या होता है, रफ टर्निंग क्या होता है, इनके बारे में आप लोग को पूर्ण रूप से पढ़ के जाना है। और ये आपके बात किया जाए तो आईसी वगैरह आपका सेकेंड वाले चैप्टर में पढ़ने को मिल सकता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, ट्रांसड्यूसर क्या होता है, ट्रांसड्यूसर का उपयोग क्या होता है, इनके बारे में आप पढ़ के जाना है। यहाँ पे आप लोग को जो भी स्टूडेंट नोट्स लिए हैं वो सारे टॉपिक आपको उस नोट्स में मिल सकते हैं, मिल जाएंगे, और आप उन टॉपिकों को पूर्ण रूप से याद करके जाइए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए, मैग्नेटिक टैब क्या होता है, मैग्नेटिक टैब क्या होता है और ALU क्या होता है, संक्षिप्त वर्णन कीजिए, ALU क्या होता है और नेक्स्ट मैग्नेटिक टैब क्या होता है, इनके बारे में पूर्ण रूप से याद करके जाना है। नेक्स्ट कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, नियंत्रण निकाय क्या होता है, इनके बारे में पूर्ण रूप से, इसके लाभ कौन कौन से होते हैं, इसकी हानि कौन कौन से होते हैं, सारे टॉपिक के बारे में याद करना है। नेक्स्ट बात किया जाए सीएनसी मिलिंग और सीएनसी ड्रिलिंग क्या होता है, सीएनसी मिलिंग और सीएनसी ड्रिलिंग का उपयोग कहाँ करते हैं और यह ऑपरेशन किन के माध्यमों से किया जाता है, सारे टॉपिक के बारे में याद करके जाना है। नेक्स्ट बात किया जाए ओपन एंड क्लोज लूप सिस्टम क्या होता है, बंद निकाय और खुला निकाय क्या होता है, इनके बारे में आप लोग को पूर्ण रूप से याद करके जाना है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए चैप्टर थर्ड का आता है पार्ट प्रोग्रामिंग क्या होता है, पार्ट प्रोग्रामिंग काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पार्ट प्रोग्रामिंग का मूल सिद्धांत बताइए, इसके फॉर्मेट कौन कौन से होते हैं, पार्ट प्रोग्रामिंग का प्रोसेस क्या होता है, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, इसका यूज़ क्या होता है, सारे टॉपिक के बारे में आपको याद करके जाना है।
नेक्स्ट बात किया जाए सीएनसी मशीन या फिर डीएनसी मशीन या फिर यनसी मशीन में, किन्हीं तीनों टॉपिक में से कोई दो में अंतर लिखने के लिए आ सकता है। चाहे दे दिया जाए सीएनसी मशीन और डीएनसी मशीन में क्या अंतर होता है, या फिर सीएनसी और यनसी मशीन में क्या अंतर होता है, यनसी या डीएनसी मशीन में क्या अंतर होता है, तीनों टॉपिक के बारे में पूर्ण रूप से याद करके जाना है। नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए ऑटोमेशन क्या होता है, यानी स्वचालन क्या होता है, इनके बारे में सिद्धांत बताइए, इसके लाभ और हानि क्या होते हैं इनके बारे में बताइए। आपको 9 बजे की क्लासेस में आपको ऑटोमेशन क्या होता है, लेथ अभियोग क्या होते हैं, सारे टॉपिक के बारे में 9 बजे की क्लासेस में आप लोग को अवेलेबल करवा देंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए पीएलसी क्या होता है, पीएलसी क्या होता है, काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक और फिगर सहित आप लोग को बताना है, और साथ में रोबोटिक्स क्या होता है इसको भी पढ़ के जाना है। नेक्स्ट बात किया जाए सीएनसी टूल होल्डर क्या होता है, सीएनसी टूल होल्डर क्या होता है, इससे आप क्या समझते हैं, इसके एडवांटेज कौन कौन से होते हैं, इसके डिसएडवांटेज कौन कौन से होते हैं, सारे टॉपिक के बारे में याद कर लीजिए। नेक्स्ट बात किया जाए सीएनसी मशीन पर होने वाली समस्याएं कौन कौन सी होती हैं, चाहे इलेक्ट्रिक चाहे मैकेनिकल या फिर कहने का मतलब हुआ आपका कंप्यूटर या फिर प्रोग्रामिंग से संबंधित चार प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, तो चारों टॉपिक के बारे में पूर्ण रूप से याद करके जाइएगा। नेक्स्ट बात किया जाए जी और यम कोड क्या होता है, इनके बारे में वर्णन कीजिए, जी और यम कोड क्या होता है, काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए एलवीडीटी क्या होता है, इनके बारे में आप लोग को याद कर दीजिए, और इसके लाभ और हानि क्या होते हैं, इसका यूज़ क्या होता है, सारे टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए कुछ टॉपिक आते हैं, कौन से, CIM, आप लोग को नेक्स्ट क्लासेस मैंने जस्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था CIM क्या होता है, और नेक्स्ट बात किया जाए CAD क्या होता है, CAM क्या होता है, और FMS क्या होता है, ये चारों टॉपिक के बारे में पूर्ण रूप से याद करके जाना है। नेक्स्ट टॉपिक आता है ट्रांसड्यूसर क्या होता है, ट्रांसड्यूसर क्या होता है, ये कितने प्रकार के पाए जाते हैं, और साथ में पीजो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसड्यूसर क्या होता है, इनके बारे में आप लोग को याद करके जाना है। नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए 18 नंबर का क्वेश्चन आता है टेकोमीटर क्या होता है और एनकोडर क्या होता है, काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, टेकोमीटर और एनकोडर क्या होता है ये भी आपको याद करके जाना है। नेक्स्ट बात किया जाए साइन बार की रोलर की उपयोगिता क्या होती है, यानी साइन बार क्या होता है और जो उसमें रोलर लगाया जाता है उसका यूज़ क्या होता है, इनके बारे में आप लोग याद करके जाइएगा। नेक्स्ट बात किया जाए ऑटोमेटिक टूल चेंजर क्या होता है, यानी 20 नंबर का क्वेश्चन आता है ऑटोमेटिक टूल चेंजर क्या होता है, इसका उपयोग कहाँ करते हैं, इसके एडवांटेज कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में याद करके जाइएगा। नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए मशीन टूल से आप क्या समझते हैं, ये कितने प्रकार के पाए जाते हैं, और साथ में बात की जाए इसका उपयोग वर्णन कीजिए, मशीन टूल क्या होता है और ये कितने प्रकार के पाए जाते हैं, सारे प्रकार के बारे में आप लोग को याद करके जाना है। नेक्स्ट बात किया जाए लेथ अभियोग कौन कौन से होते हैं, चित्र सहित वर्णन कीजिए, लेथ अभियोग की क्लासेस आपको 9 बजे की क्लासेस में मिल जाएगी, तो वो क्लासेस बिल्कुल मत मिस करिएगा, लेथ अभियोग के बारे में जरूर पढ़ के जाना है। नेक्स्ट बात किया जाए कटाई टूल से आप क्या समझते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कि आप लोग को सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स, दोनों टॉपिक के बारे में विथ फिगर के साथ आपको याद करके जाना है। नेक्स्ट बात किया जाए सीएनसी मशीन बेड के बारे में बताइए, सीएनसी मशीन बेड क्या होता है और कौन कौन से पार्ट होते हैं, ये सारे टॉपिक के बारे में याद करके जाना है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए अंतर लिखने के लिए क्वेश्चन आता है, काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अपकेंद्रीय और अक्षीय संपीडक के बारे में अंतर, अपकेंद्रीय संपीडक और अक्षीय संपीडक क्या होता है, इनके बारे में अंतर लिखने के लिए क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट वहीं पे पश्चाग्रवाय संपीडक और घुमाव वाय संपीडक के बीच में भी अंतर आता है। नेक्स्ट बात किया जाए फॉल्ट निदान उपकरण क्या होता है, यानी फॉल्ट निदान उपकरण क्या होता है, इनके भी बारे में आप लोग को पूर्ण रूप से याद करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है असेंबली लाइन क्या होता है और ग्रुप टेक्नोलॉजी यानी समूह तकनीक क्या होता है, वर्णन कीजिए, काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, दोनों टॉपिक के बारे में पूर्ण रूप से याद करके जाइएगा।
नेक्स्ट लेथ टूल होल्डर क्या होता है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेथ टूल होल्डर क्या होता है, इनके बारे में भी आप लोग याद करके जाइएगा। आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को 25 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए, यानी टोटल आपको 28 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया गया। आई होप कि आप लोग को 2800 क्वेश्चन ये याद करके जाएंगे और पूर्ण रूप से, तो आशा करते हैं कि आपका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा होने वाला है। चलिए बात करें नोट्स के बारे में, अगर कोई भी सेमेस्टर यानी फिफ्थ सेमेस्टर या फिर सिक्स्थ सेमेस्टर की किसी भी सब्जेक्ट में बैक लगी है फिफ्थ सेमेस्टर की, तो वो भी नोट्स आपको अवेलेबल है, और साथ में सिक्स्थ सेमेस्टर की प्रोडक्शन में सीएनसी मशीन, मेट्रोलॉजी, टूल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ये चारों सब्जेक्ट की नोट्स अवेलेबल है। अगर कोई भी स्टूडेंट किसी भी सब्जेक्ट की पीडीएफ लेना चाहता है तो आप लोग जल्द से जल्द कांटेक्ट कीजिए। तो कांटेक्ट नंबर जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, वो उस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए या फिर कॉल करिए, और कॉल करने के बाद अपना पेमेंट कटाइए। पेमेंट हमें मिनिमम प्राइस रखा गया है ओनली 45 रुपीज़, एक सब्जेक्ट का कितना रखा गया ओनली 45 रुपीज़ में आप पूरे सब्जेक्ट, यानी कहने का मतलब हुआ एक सब्जेक्ट पूर्ण रूप से सिलेबस के अकॉर्डिंग पा सकते हैं, और साथ में अगर वहीं पे टोटल सब्जेक्ट लिया जाए यानी चारों सब्जेक्ट का, तो 179 में आप लोग को पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स तैयार करके प्राप्त हो सकते हैं। तो आप लोग नोट्स खरीदिए जिससे कि आपकी तैयारी अच्छे से अच्छे हो सके। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए, इन सारे क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट देख सके। बस गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।